की जो एम्बुलेंस मिली है किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही योगदान और महत्वपूर्ण ऐसा NH ने जो कदम उठाए, CRS फंड से उनको जो ये उपलब्ध कराया, और अभी तो दो हैं, मेरी जैसे बातचीत हुई कि आगे जल्दी ही और जिलों को भी प्रोवाइड करेंगे। और इस एम्बुलेंस से यानी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार मैं देखता था कि उठाने वाला तक भी नहीं रहता था, और कई उसको जब घंटे हो जाते थे तो ब्लड उसका जब निकलता था और उसको उठाने वाला नहीं रहता था, उसी में उसकी कई बार मृत्यु हो जाती थी। इसके रहने से, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है और इसके अंदर जिस तरह सारे उपकरण हैं, ऑक्सीजन से लेकर के और आपका एक स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन साथ में पहाड़ी में यदि हो गया तो वहाँ के लिए भी दूसरा एक चीज़ इस तरह उठाने का और जो व्यवस्था दी है। मैं सोचता हूँ कि पहली बार ऐसा एक एम्बुलेंस इस प्रकार के पहाड़ को मिल रही है, उत्तराखंड को मिल रही है, तो मैं इसके लिए NH और उनके CRS फंड से जो दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने जो भी इस प्रकार अपने वहाँ के अन्य जो हैं चेयरमैन हैं और पैनल जी अपना इस उसको देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम दो नहीं तो और भी पूरे जिलों में एक एक और बढ़ाएंगे देंगे। कोरोना की स्थिति